Assalamualaikum, this is Amir Rafiq from 5G Properties, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का नंबर वन सेल्स पार्टनर है। बगैर किसी मक्खन मलाई के कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर ऑथेंटिक रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मशीनरी आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर जी ओवरसीज सेंट्रल के ऊपर फिलिंग का काम कर रही है। सेक्टर जी बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर, जिसकी ऑपोजिट 300 कनाल की ग्रैंड मॉस्क, बैक साइड पर एक मेगा झील फेसिंग पार्क और लेफ्ट साइड के ऊपर फाइनेंशियल स्क्वायर है। फ्रंट पर आ जाएं तो 400 फीट की बुलेवार्ड डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है। सेक्टर जी में ग्रैंड मॉस्क फेसिंग 3-4 स्ट्रीट्स में 10 से 15 फीट की फिलिंग है, और इस फिलिंग से परेशान ना हो बिकॉज लोकेशन बहुत ही प्राइम है। ये तमाम मशीनरी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है और मिट्टी के जो डंप्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फिलिंग के लिए यूटिलाइज हो रही है। सेक्टर जी की एक और ख़ास बात, डायरेक्ट 180 फीट के साथ कनेक्टेड है, जो कि एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज प्राइम को डायरेक्टली चक्री रोड तक कनेक्ट कर रही है। जबकि इसके साथ जो 400 फीट की बुलेवार्ड कनेक्ट कर रही है, वो मोटरवे इंटरचेंज को डायरेक्ट एक्सेस दे रही है। डबल कनेक्टिविटी के साथ बहुत ही प्राइम ब्लॉक सेक्टर जी ओवरसीज सेंट्रल में। ये वो इनिशियल स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर ये मिट्टी को डंप किया गया है सिर्फ और सिर्फ फिलिंग के लिए। जबकि 3 माह पहले अगर आप यहाँ की डेवलपमेंट वीडियो देखें तो कोई खातर खा काम नहीं हुआ था। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने रियल स्टेट में डेवलपमेंट के ऊपर एक बेंचमार्क सेट किया। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जहाँ पर मशीनरी डिप्लॉय कर दे, वो सेक्टर 5 से 7 माह के अंदर पोजेशनेबल हो जाता है। वजह सिर्फ और सिर्फ एक, इनकी डिवेलपमेंट मशीनरी अपनी है। ज़मीन बड़ी जरखेज़ है, पत्थर यहीं से निकल रहा है, इधर ही बजरी बन रही है। मोबाइल की छोटी स्क्रीन के ऊपर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की वास्ट डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी। इस वीडियो को अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर या टीवी के ऊपर ज़रूर देखें। इस वीडियो को ख़ास आपकी डिमांड के ऊपर हर सेक्टर के हर कोने को बहुत ही ध्यान रखकर रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आप देख सकते हैं सेक्टर जी की बैक साइड के ऊपर ग्रैंड पार्क, जिसमें खूबसूरत झील है। इस पानी को फिल्टर किया जाएगा और यहाँ पे एक खूबसूरत वाटर थीम पार्क बनाया जाएगा। 400 फीट रोड को चीरते हुए ये नीचे गवर्नमेंट रोड सेक्टर जी के अंदर से गुजर रही है, और उसके साथ ये मकामी आबादी के 2 मकानात, जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी तक एक्वायर नहीं किया और ना ही यहाँ पर मास्टर प्लान के ऊपर कोई प्लॉटिंग है। डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं बुलेवार्ड का काम तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर हो चुका है। ये कंप्लीट लैंड आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर जी में है। सेक्टर जी की तमाम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल लैंड एक्वायर्ड है, जिसमें कोई लिटिगेशन नहीं और डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। सेक्टर जी के बीच में जहां पर कटिंग एंड फिलिंग नहीं हुई, ये एरिया हाइटेड है। रिमेनिंग एरिया को इसके लेवल पर करके इसकी कटिंग एंड फिलिंग पर काम किया जाएगा। ये था सेक्टर जी का रिव्यू, जिस पर अप्रोक्सीमेटली 50% अर्थवर्क का काम मुकम्मल हो चुका है। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी से लेकर सेक्टर सी तक, ये जो आप नीचे रोड देख रहे हैं, मेन 400 फीट की बुलेवार्ड है, इसका अर्थवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। जी हाँ, सेक्टर सी तक अर्थवर्क मुकम्मल हो गया है 400 फीट बुलेवार्ड के रोड का। सेक्टर जी का फ्रंट के ऊपर 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर 1 किलोमीटर का फ्रंट है, और राइट साइड के ऊपर 180 फीट बुलेवार्ड के ऊपर 0.5 किलोमीटर का फ्रंट है। नीचे आप देख सकते हैं 3 एक्सकवेटर्स 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर कटिंग एंड फिलिंग कर रहे हैं। ये जो रेड लाइन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ तक 400 फीट बुलेवार्ड की कटिंग एंड फिलिंग हो चुकी है, और यही सेक्टर सी का इख्तिताम है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर तक का 400 फीट का बुलेवार्ड जेरे तामीर है। अब हम जिस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं वो है सेक्टर सी, ए कनाल का ब्लॉक है। सेक्टर सी का प्लस पॉइंट 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर और उसकी बैक साइड के ऊपर सिलिकॉन वैली, जिसके बीच में 350 फीट की वाइड रोड। ये खूबसूरत झील सेक्टर सी में ही आ रही है, सेक्टर सी की स्ट्रीट नंबर 4 और 5 के बीच में, जहां वो लेन रिजर्व की गई है। मोस्ट लाइकली सेक्टर सी का मास्टर प्लान अपडेट कर दिया जाएगा, जिसमें ये झील शो होगी। गूगल अर्थ में भी लेटेस्ट इमेज जो है 7 महीने 2021 की है। गूगल अर्थ की इमेज के ऊपर जाएं तो सेक्टर सी पर हार्डली कोई 10-20% काम हुआ है, जबकि रियल टाइम फुटेज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लैंड मुकम्मल एक्वायर्ड है। सिवाय स्ट्रीट नंबर 4 और 5 के तमाम लेंस के ऊपर माइनर कटिंग हुई है।
ये शो कर रहा है कि सेक्टर सी की लैंड मुकम्मल एक्वायर्ड है, सेक्टर सी की लैंड में कोई भी इशू नहीं है। सेक्टर सी ए कनाल का बहुत ही खूबसूरत और प्राइम लोकेशन पर ब्लॉक है, जिसकी एक साइड पर 400 फीट की बुलेवार्ड, दूसरी साइड पर 350 फीट की बुलेवार्ड और बीच में एक खूबसूरत झील है। सेक्टर सी का हाफ किलोमीटर 400 फीट की बुलेवार्ड के ऊपर आ रहा है और दूसरा हाफ किलोमीटर 350 फीट वाइड रोड के ऊपर आ रहा है। ये लैंड जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये है रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स अपार्टमेंट्स, बिल्कुल मेन 350 फीट की रोड के ऊपर और सेक्टर सी के बिल्कुल साथ। ये झील जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये है रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स का इख्तिताम और झील को चौड़ा किया जाएगा और गहरा किया जाएगा। इसी झील की लेफ्ट साइड के ऊपर कमर्शियल सिविक सेंटर बन रहा है। इसी झील की लेफ्ट साइड के ऊपर मेगा कमर्शियल सिविक सेंटर बनेगा, जिसको अभी सेल आउट नहीं किया गया। ये नीचे जो आप रोड की कटिंग देख रहे हैं, ये है सेक्टर ए का इख्तिताम और पीछे जो गाड़ियों की आमदोरफ्त आपको नज़र आ रही है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, और नीचे जो आपको कंटेनर शो हो रहे हैं, यहाँ पर बनेगा आपका एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट। यानी कि सेक्टर ए की लैंड मुकम्मल एक्वायर्ड है, जिसमें एक कनाल और 12 मरला के प्लॉट्स और 6 और 8 मरला कमर्शियल हैं। एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट की भी ब्राउनिंग हुई हुई है और कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसका मतलब एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट की लैंड भी मौजूद है। ये नीचे तमाम लैंड जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सेक्टर ए ओवरसीज सेंट्रल की ही है। खूबसूरत हाइटेड लोकेशन जिसमें फिलिंग बहुत ही कम नज़र आ रही है। सेक्टर ए का 350 फीट की रोड के ऊपर 0.3 किलोमीटर्स का फ्रंट है, जबकि एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के साथ 180 फीट की रोड के ऊपर 1 किलोमीटर का फ्रंट है। ये लैंड जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये सिलिकॉन वैली की है, जिसका 60-70% लैंड का अर्थवर्क मुकम्मल कर लिया गया। और ये नीचे 180 फीट रोड की कटिंग सिलिकॉन वैली को ओवरसीज सेंट्रल से कनेक्ट कर रही है। बैक टू द लैंड ऑफ सेक्टर ए ओवरसीज सेंट्रल। सेक्टर ए ओवरसीज सेंट्रल की लैंड 100% एक्वायर्ड है और बीच में एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत झील बनाई जाएगी। सेक्टर ए के कमर्शियल्स बहुत ही ज़्यादा प्राइम है, बिकॉज एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट इसको कनेक्ट कर रहे हैं। मेडिकल एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से इन कमर्शियल्स में लातादाद क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आएंगे, बेस्ट फॉर फार्मेसीज एंड लैब्स एंड फास्ट फूड चेन्स, ओवरसीज सेक्टर ए के कमर्शियल्स। सेक्टर ए से ओवरसीज इंटरचेंज की दूरी 4 से 4.5 किलोमीटर तक की है। सेक्टर ए से मोटरवे इंटरचेंज की दूरी 4 किलोमीटर तक की है। वीडियो की असेसमेंट करें तो 5 से 10 फीट की फिलिंग ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए में नज़र आ रही है। और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर खूबसूरत मोटरवे और बैक साइड पे जो आपने कटिंग एंड फिलिंग देखी है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का फ्यूचर एक्सटेंशन एरिया, जिसको स्मार्ट सिटी ने अभी तक लॉन्च नहीं किया और ना ही जल्द लॉन्च कर रही है। ये झील जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ये सेक्टर ए और बी को आपस में डिवाइड कर रही है। ये झील सेक्टर ए और बी के बीच में है और इस झील के फेसिंग आ रहे हैं 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। सेक्टर बी में 98% ए कनाल के प्लॉट्स हैं और झील फेसिंग 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। सेक्टर बी का 180 फीट की रोड के ऊपर तकरीबन 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। सेक्टर डी भी रेंटल वैल्यू के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, पीछे एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से और साथ ही न्यूटेक होने की वजह से ए कनाल के जो बड़े प्लॉट्स हैं, मकानात हैं, हॉस्टल के तौर पे भी यूटिलाइज हो सकते हैं। इंडिविजुअल असेसमेंट करें तो हर सेक्टर किसी न किसी वजह से ज़रूर इम्पोर्टेंस रखता है। सेक्टर बी और सेक्टर ए में एक बहुत ही मेजर प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ी झील बनने जा रही है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने मास्टर प्लान में पार्क के ऊपर और झीलों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और इतनी अट्रैक्शन रखी है कि आप खुद घर से निकलकर यहां पर वॉक करेंगे और इन्जॉयमेंट करेंगे। ये लैंड जो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखी है, जहां पे कटिंग एंड फिलिंग बहुत ही माइनर सी होना शुरू हो चुकी है, ये है सेक्टर डी। सेक्टर बी से सेक्टर डी की तरफ कटिंग एंड फिलिंग का काम शुरू हो चुका है। रिमेनिंग जितने भी सेक्टर्स हैं सेक्टर एफ के अलावा, सेक्टर डी ही वो वाइड ब्लॉक है जिसके ऊपर बहुत ही मिनिमल कटिंग एंड फिलिंग का काम हुआ है। सरप्राइजिंगली बड़ी हाइटेड लोकेशन के ऊपर है और करंटली 2 से 3 माह इसको फर्दर दिए जा सकते हैं ताकि मुकम्मल असेसमेंट हो कि इसकी लैंड 100% एक्वायर्ड है या अगर कुछ पैचेस रहते हैं तो वो कहां तक सेक्टर डी को इफेक्ट कर सकते हैं।
ये बीच में आप कुछ ग्रीन लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन चल रही है, ये साबित कर रही है कि ये लैंड कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी तक एक्वायर नहीं की, जिसको एक्वायर करने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत तेज़ी से अथक मेहनत ज़रूर कर रही है। याद रहे, कम्पैक्ट लैंड लेना 1.5 लाख कनाल के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी पूरी कोशिश कर रही है कि एक्वायर करती जाए। ये वो मकानात हैं, लोकल गांव हैं, 4 से 5 मकानात, जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी कोशिश कर तो रही है एक्वायर करने के लिए, लेकिन हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो। इसी वजह से मास्टर प्लान में सेक्टर डी और स्टूडेंट हॉस्टल और न्यूटेक यूनिवर्सिटी के बीच में एक राउंड अबाउट के साथ एक छोटा सा कर्व इन्होंने दिया हुआ है इस गाँव के लिए, जिसको एक्वायर करना एक चैलेंजिंग अमल होगा। सेक्टर डी के बाद सेक्टर ई की लैंड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सेक्टर जी के बिल्कुल ऑपोजिट कटिंग एंड फिलिंग का काम चल रहा है, लैंड एक्वायर्ड है। सेक्टर ई में कोई इशू नहीं है ज़मीन का, सेक्टर ई का मेन बुलेवार्ड के ऊपर 1 किलोमीटर का फ्रंट है। और अब हम जा रहे हैं सेक्टर एफ की तरफ। सेक्टर एफ में 7 मरला, 10 मरला और 12 मरला के प्लॉट्स हैं। ये मकानात जो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखे हैं, ये हॉस्टल्स के पास आ रहे हैं सेक्टर एफ की बैक साइड के ऊपर। इसी तरह ये झील आप सेक्टर एफ में देख सकते हैं अपने मास्टर प्लान के ऊपर, आपके सामने बिल्कुल विजिबल है। और उसी की राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ ग्रीन पैचेस भी मौजूद हैं। ये ग्रीन पैचेस कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने अभी तक ज़मीन एक्वायर्ड नहीं की। इस ग्रीन पैचेस के ऊपर 8 मरला और 4 मरला के कमर्शल्स आ रहे हैं। झील के करीब कुछ कमर्शियल जो हैं वो सेफ़ हैं, जबकि रिमेनिंग कमर्शियल्स इस लैंड के इशू की जद में आ रहे हैं। जबकि 7 मरला की कुछ लैंड्स इसी लैंड इशू की वजह से, ग्रीन पैचेस की वजह से अफेक्टेड होंगी। गूगल अर्थ पर लेटेस्ट इमेजरी जब अपलोड होगी तो मैं आपको विद स्ट्रीट नंबर ये बता दूंगा कि कौन सी 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं वो शायद इफ़ेक्ट हो सकती हैं, या कैपिटल स्मार्ट सिटी आइंदा महीनों में अगर ये ज़मीन एक्वायर कर लेती है तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसी तरह जो रिमेनिंग 10 मरला और 12 मरला की लेंस हैं वो सेफ़ हैं और वहाँ पर कटिंग हो चुकी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। जबकि 7 मरला की लेंस सेक्टर एफ की कितनी अफेक्टेड हैं वो गूगल अर्थ की इमेजरी लेटेस्ट जब भी अपलोड हुई उस पर आपको बेहतर गाइडेंस दे दी जा सकती है। और अगर 7 मरला की सेक्टर एफ में कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास ज़मीन नहीं है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अंडर नेगोशिएशंस होंगी इन ज़मीन के मालिकों के साथ और आपको आपका प्लॉट ज़रूर देगी। करंटली आप जिस सेक्टर की ज़मीन देख रहे हैं आपके सामने वो है डॉक्टर्स इनक्लेव। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डॉक्टर्स इनक्लेव का एक भी प्लॉट अभी तक सेल आउट नहीं किया। हो सकता है न्यू रेट आए या स्पेशल रेट के ऊपर आके इसको सेल आउट किया जाए। मेरी असेसमेंट के मुताबिक चूँकि बीच में एक झील है, हो सकता है इसको रीडिज़ाइन किया जाए। डॉक्टर्स इनक्लेव में जहाँ पर 10 मरला के प्लॉट दिखाए जा रहे हैं वहाँ पर ये झील आ रही है। डॉक्टर्स इनक्लेव जब भी लॉन्च हुआ रीडिज़ाइन मैप के साथ, इसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी वर्दी होगी और हॉट फेवरेट होगी। जिस तरह से नीचे काश्तकारी हो रही है उससे यही साबित हो रहा है कि डॉक्टर्स इनक्लेव के 10 मरला के प्लॉट्स और कुछ 1 कनाल के प्लॉट्स की ज़मीन कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के पास अभी नहीं है, एक्वायरेशन के फेज़ में है। इसी तरह डॉक्टर्स इनक्लेव के 7 मेन गेट प्रेसेंट वाली लैंड भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट के पास अभी शो होती नज़र नहीं आ रही। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस पानी को साफ करेगी और यहाँ पर ब्लू वाटर रिवर फाउंटेन्स को इंस्टॉल करेगी और ये एक अच्छा खूबसूरत मिनी पार्क बनेगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। ये सारी मेरी पर्सनल असेसमेंट है, बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है। जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सेक्टर एल के रेजिडेंट्स को रिलोकेट किया है ओवरसीज सेंट्रल में, इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी को जहाँ जहाँ भी ज़मीन के चैलेंजेस फेस हुए, कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको पहले से ज़्यादा बेहतर लोकेशन के ऊपर रिलोकेट करेगा और आपको आपके प्लॉट ज़रूर देगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पर दिए गए नंबर पर आपका कोई भी कंसर्न हो, कोई भी मशवरा लेना हो, ज़रूर रब्ता कीजिएगा।